अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने दिग्गज आईटी कंपनी आईबीएम पर 500 कर्मचारियों को हटाने और उनकी नौकरियां भारत और दूसरे देशों में ट्रांसफर कर देने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने कहा कि वो राष्ट्रपति बने तो ऐसा करने वाली कंपनियों पर 35% का टैक्स लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आईबीएम ने मिनियापोलिस में 500 कर्मचारियों को हटा दिया और उनकी नौकरियों को भारत और दूसरे देशों में भेज दिया। ट्रंप प्रशासन नौकरियों को अमेरिका से बाहर जाने से रोकेंगे। ट्रंप ने कहा, यदि कोई कंपनी मिनेसोटा छोड़ना चाहती है, अपने कर्मचारियों को हटाना चाहती है और किसी दूसरे देश में चली जाना चाहती है और फिर अपने उत्पादों को वापस अमेरिका में भेजना चाहती है, तो हम उन पर 35% टैक्स लगाएंगे। हम जीवाश्म तेल, प्राकृतिक गैस और साफ कोयले समेत अमेरिकी ऊर्जा का दोहन भी करेंगे। ट्रंप ने कहा कि वो ओबामा प्रशासन की ऐसी सभी नीतियों को खत्म करेंगे जिनसे किसानों, मजदूरों और छोटे कारोबारियों के हित प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा, हम एक बार फिर से अमीर राष्ट्र बनेंगे, लेकिन एक अमीर देश बनने के लिए हमें पहले सुरक्षित राष्ट्र भी बनना होगा। आपको बता दें कि ट्रंप अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।